शेट्टी 7201 वोट। आगे सुनिए टीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार 6631 वोट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन 2567 वोट। ओए अपने भाई का नाम आया, भाई का नाम आया, भाई का नाम आया। कितना पैसा खाया है हमारे सुपरस्टार के वोट को गायब करने के लिए। मुंह तोड़ दूंगी, चल निकल। दूसरे राउंड के रिजल्ट, गोपाल शेट्टी 10341 वोट, सुनील कुमार 11060 वोट, विजय राघवन 7241 वोट। तीसरे राउंड के रिजल्ट, टीएमके कैंडिडेट गोपाल शेट्टी 15501 वोट, पीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार 11171 वोट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन 15508 वोट। अन्ना, हम 7 वोट से जीते नहीं है, 7 वोट से हार रहे हैं। अरे भाई संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। कैंडिडेट विजय राघवन वार्ड नंबर 45 का नया काउंसलर है। ओए, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। बिल्कुल मर जाना चाहिए, लेकिन अभी आपका कोटा पूरा नहीं हुआ ना। अन्ना, बातें करता है। जिस दिन उसने कॉलेज में कदम रखा था तभी से लफड़ा चल रहा है। क्लासरूम में सुल्लू तो उसे लात भी मार चुका है। फिर उसने सुल्लू को बुरी तरह से धोया तो सुल्लू ने मलिक को बताया, फिर उन्होंने मार पीट कर हमसे उसे नाले में फिकवा दिया। सोचो अगर मार डालते तो। फिर तो ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अन्ना बस हमका परमिशन दे दीजिए, कल का ब्रेकिंग न्यूज हम लिखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में दिन दहाड़े काउंसलर की क्रूर हत्या। हेलो विजय, माँ कैसी है? चिंता करने की बात नहीं है, वो आए, धमकी दी, बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है और चले गए। माँ से मेरी बात कराओ। थोड़ी देर में कराऊं? ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, माँ से कह देना। हाँ ठीक है, सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा। उन्होंने माँ का हाथ तोड़ दिया। जाओ इसे खत्म कर दो। तोहार काउंसिलर ने इस्तीफा दे दिया है, अब यह हमरा कानून चलेगा। तोहरा डर खत्म हो गया का? हम का भूल गए? Yeah!
आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया साहब? माँ कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाला रे। हाथ तोड़ दिया मेरे माँ का, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आपके कदमों में गिर के माफी मांगता हूँ। अभी तक हमने दो सीटों के उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, नॉमिनेशन फाइल करने का कल आखिरी दिन है। पद्म प्रताप, चेन्नई की कमान तुम्हारे हाथों में थी, हमें तो 200 में से 200 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन 71 सीट हार गए। विधानसभा का चुनाव सर पर है, तुम्हारी क्या रणनीति है? अच्छा काम करने पर हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं, और एक बात का ध्यान रहे, अभी तक सिर्फ शांति नगर का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। वहां पर तो हम काउंसलर की सीट भी हार गए थे, जरूरी सीट है। यू आर राइट सर, हम इस सीट से अपनी पार्टी के शर्मा जी को खड़ा कर सकते हैं। उस इलाके में वहाँ के काउंसलर का बोलबाला है। जरा वो मैगजीन दो। हाँ, विजय राघवन, इंडियाज बेस्ट वार्ड, शांतिनगर का भावी उम्मीदवार विजय राघवन, बेस्ट वार्ड काउंसलर। अगर हमें जीतना है तो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी आईटी सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही सर, लेकिन उसने तो ऑलरेडी पर्चा भर दिया है। हमने उस पर दबाव डालकर काउंसलर की कुर्सी से भी इस्तीफा दिलवा दिया था, हमारा उसके साथ लफड़ा है। देखो पद्म प्रताप, उसे कैसे भी नॉमिनेशन वापस लेने को कहो, ये काउंसलर का चुनाव नहीं राज्य का है। तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में, आराम करने के लिए ECR में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस लड़की को और तुम्हारी माँ को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉड डैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना, भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
हेलो हेलो बाला, मैं एक नहीं दो सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दिए। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। परफेक्ट, एक उम्मीदवार दो जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूंगा। वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा है, घेर लो उसे। जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो, फ्रंट गेट से मत आना, पीछे से आना। ओके सर, ठीक है। अरे कौन हो तुम, यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर, लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर, डॉक्यूमेंट्स ओके, थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर, मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक कर्तव्य परायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया, जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया, अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब?